अपने फ्रेंड क्या हालचाल ठीक ठाक। अभी बज रहे हैं तकरीबन 9, तो मैं अभी उठा हूँ, तो अभी चलते हैं नीचे, वो नाश्ता करते हैं, तो फिर देखते हैं कि आज क्या करना है, वो आज की क्या रूटीन है, तो आपको भी साथ दिखाएंगे। मेरी ऐनक और सारे चार्जर वगैरह यहीं पे पड़े, तो ये मेरी रिंग लाइट है, तो अपनी ऐनक वगैरह लगा लेते हैं। नाश्ते में चने और गोश्त का शोरबा, अभी नाश्ता कर लेते हैं। तो गाइस आज ईद का तीसरा दिन है, तो आज है हमारी दावत बड़े मामू के घर, तो आज हमने जाना है जी बड़े मामू के घर, दावत है 2 बजे, तो अभी तकरीबन बज चुके हैं 11, तो सबसे पहले आज हमारी वापसी भी है, तो इसलिए मैं बैग वगैरह जो अपने वो पैक कर लूँ, सारे कपड़े वगैरह बैग में रख लूँ, ताकि कोई यहाँ रह ना जाए, फिर चलेंगे बड़े मामू के घर। तो वैसे मैंने आपको एक बात बतानी थी, कल पिछले व्लॉग में मैंने आपको शायद ना बताई हो, तो आज बता देता हूँ कि हम जा गए थे गैलरिया मॉल, जो कि ईद वक्त के दूसरे दिन गए थे, तो वहाँ पे था फैमिली डे, बगैर फैमिली के अंदर इंटर नहीं हो सकते, तो हम इंटर हो गए थे। तो वो कैसे हुए थे वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो हम ऐसे इंटर हुए थे कि मुबीन भाई, हम 2 गाड़ियों में गए थे, एक गाड़ी मुबीन भाई की थी, एक मामू की थी, छोटे मामू की। तो मुबीन भाई की गाड़ी को लगी हुई है जालियाँ जो विंडोज पे होती हैं, तो साथ मोहम्मद हुसैन था, तो जब भाई लोग गए हैं वहाँ पे, तो उन्होंने समझा कि इसमें फैमिली होगी, तो उन्होंने जाने दिया भाई को। तो फिर हम पीछे से आ गए, तो हमें उन्होंने कहा कि ये फैमिली डे आप नहीं जा सकते, तो मेरा वहाँ पे दिमाग थोड़ा सा काम किया, तो मैंने कहा हमारी गाड़ी तो चली गई है फैमिली की, तो फिर हमें भी जाएंगे। तो उन्होंने कहा चले ठीक है, कौन सी गाड़ी थी, हमने कहा ये वाली गाड़ी थी चली गई, तो उन्होंने कहा चले ठीक है आप भी जाए। तो इस तरह जो है हम इंटर हो गए, तो फिलहाल अभी जाके नीचे है ना अपना बैग वगैरह रेडी करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह चलेंगे बड़े मामा के घर। यहाँ से अपना सारा सामान वो उठा लेते हैं, ये मेरे मोबाइल का चार्जर, मेरा बटुआ, ये पड़ा है जी मेरा बैग, और ये मेरे वो वाले कपड़े जो मैं पहन के आया था, तो ये मेरा ईद का सूट है, तो ये तो फिलहाल साफ ही होगा, तो इसे अलहदा रखते हैं, तो इसे जो है एक शफल में डाल के मैं पैक कर देता हूँ। चार्जर जो है वो भी रख लेता हूँ, यहाँ पे ऐनक वगैरह भी है, घड़ी भी है मेरी, अच्छा ठीक है, तो अभी इसे शफल में डाल देते हैं। बैग जो है पैक हो गया। मैं मिठू चूड़ी खानी है, चूड़ी खानी है, मैं मिठू खानी है, मटर खा लिए। तो गए अभी बज चुके तकरीबन 2, तो हम जाने लगे हैं जी मामू जी के घर। चाबी गिर गई, चाबी कहाँ गिर गई है, ओ यार चाबी पता नहीं नीचे कार पे सीट के नीचे चली गई, निकल गई, तो अभी चलते हैं मामू के घर। गाड़ी के अंदर तपी पड़ी है गाड़ी, तो बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, सीट छोड़ी थी, एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से, गाड़ी का यूटर्न भी है वो भी ले लेते हैं। बाकी जो भाई लोग हैं वो तो पैदल जाएंगे, मैं जाऊंगा गाड़ी में अनंबो को लेके, गाड़ी का एसी कर लेते हैं ऑन। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है। तो मामू जी के घर में आ गया, तो बाकी फैमिली भी आ गई है, तो वाइफ जो है काफी ज्यादा शोर है, तो ब्लॉग वहाँ पे हो नहीं सकता, तो म्यूजिक वगैरह भी लगा हुआ है। अभी नहीं जाना, अभी बाहर ट्रैफिक होगी ना ज्यादा, नहीं बाइक नहीं चलाना, इधर ही चलाओ, इधर ही। तो अभी तकरीबन 3 बज चुके हैं, तो अभी चलते हैं घर, तो आज शाम इंशाल्लाह वापसी भी करनी है समुद्री की, तो अभी जाके वापसी की तैयारियां करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह वापस ही चलेंगे, तो अभी फिलहाल जो है वो घर चलते हैं। तो कह रहा अभी तकरीबन 6 बज चुके हैं, तो अभी चलते हैं वापस, तो मैं जूता जो है अपना चेंज कर लूं, शूज वगैरह पहन लूं, ये पड़े हैं मेरे शूज। घर वाले भी आ गए, घर जो है वो हम पहुंच चुके हैं। तो गाइस घर पहुंच चुके हैं, तो अभी मैं छत पे आ गया चूजों को देखने के लिए कैसे हैं, ठीक है खैरियत से हैं।
माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे ठीक है। पानी भी डाला हुआ है और खरबूजे भी, क्या बात है यार। यशी कर रहे थे आप लोग, तो पानी भी पूरा ही है तकरीबन। बाकी सुबह डाल देंगे, एक मैं इकट्ठा कर देता हूँ ताकि पी सकें। पानी थोड़ा सा गंदा है लेकिन कोई नहीं, खैर है। तो माशाल्लाह सब ओके है। अभी जो है भाई की गाड़ी है वो खड़ी कर देते हैं। गेट तो खुला ही है यहाँ पे, तो गेट तो किसी ने लगाया नहीं, तो भाई की खड़ी करी है तो वो हमारी गाड़ी, तो हमारी गाड़ी जो है मुजम्मल के घर खड़ी होगी, तो भाई की गाड़ी इधर खड़ी होती। तो पहले मैं जो बाइक है वो निकाल लूं, इसे तो हैंडल लॉक लगा हुआ है, तो अभी इसकी चाबी लेके आता हूं। तो जाते वक्त मैंने हैंडल लॉक लगा दिया था इसके। चाबी पड़ी है मेरे दराज में, किधर पड़ी है? ये तो बाइक की चाबी है। हाँ ये अब इतनी चाबियों में से चाबी कौन सी है यार? WFIT लग जा, खुल जा भाई, खुल जा। हाँ ठीक, तो अभी निकाल लेते हैं बाहर। ओ बंद, अभी निकाल लेते बाहर, गाड़ी जो है वो अंदर कर लेते। बाइक की गाड़ी तो खड़ी कर दी है, तो अभी मैं अपनी गाड़ी जो है वो खड़ी कर दूं मरम्मत के घर। अभी मैं जा रहा हूँ मलक मौसम की तरफ, तो ईद सारी गुजर गई, उससे तो मिला ही, अभी उसके तरफ जा रहा हूँ, तो मिलते हैं उससे ईद भी। जी मलक साहेब, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ठीक ठाक है, याद आ गया भाई। याद आया, अब मैं आज ही शाम को आया ना सर के पास से, हैं तुम्हें चला सलाम। तो अभी जो है बाइक मलक साहब चलाएंगे, देखते कहाँ जाते हैं। तो गए, अभी हम आ गए हैं यहाँ पे ढाबे पे, तो यहाँ पे चाय पीने के लिए। तो वैसे सारा रमज़ान जो है तो हम आते रहे, एक ये ढाबा है एक और ढाबा है, तो आज इस ढाबे में आए तो बड़ी खुली खुली फिजा है यहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ पे आके बैठ गए। तो यहाँ पे बातें जाते करते हैं और चाय पीते हैं, तो फिर इंशाल्लाह घर चलेंगे। ओके भाई, अल्लाह मिलते हैं। तो गए घर आ गया, तो अभी मैं जो ब्लॉग है वो एडिट करने लगा हूँ अपना। तो आज का ब्लॉग जो है यहीं तक रखते हैं। अगर आपको आज वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।